एक दफा का जिक्र है। एक गांव में आरिफ नाम का एक गरीब ताजर रहता था। वो पैसे के इवज बाजार में तरह तरह की चीजों का कारोबार करता था। शुक्रिया आरिफ भाई। अरे नहीं, ये तो मेरा काम है, शुक्रिया कैसा। आरिफ के पास एक गधा था। खाओ खाओ मेरे दोस्त। और वो गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रख कर बेचने बाजार जाया करता था। आरिफ गधे पर बहुत मेहरबान था। वो इसकी देखभाल करता, उसे नहलाता, साफ सुथरा रखता और उसे खाने के लिए अच्छा खाना देता था। क्योंकि गधा आरिफ के कारोबार के लिए बहुत जरूरी था। और सुनाओ आरिफ भाई, काम कैसा चल रहा है। गधा जवान और मजबूत था, लेकिन वो बहुत ही सुस्त और काहिल था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे नहीं, फिर से काम। गधा सिर्फ आराम, खाना और सोना चाहता था। अरे नहीं, हमें दोबारा बाजार जाना पड़ेगा, गधा सोचता था। आका को किसी दिन तो छुट्टी करनी चाहिए, मुझे तो छुट्टियां पसंद हैं। लेकिन गधे को ये नहीं मालूम था कि अगर उसका मालिक एक दिन की छुट्टी कर ले तो वो कुछ कमा कर नहीं ला पाएगा और उसको और उसके मालिक को खाने को नहीं मिलेगा। बाजार तक पहुंचने के लिए उसे एक दरिया अबूर करना पड़ता था। आरिफ दरिया अबूर करते वक्त गधे का खास ख्याल रखता। अरे ढोलू भाई, आजकल नमक को बहुत मांग है। मैं सोच रहा हूँ नमक का कारोबार शुरू कर दूं और अमीर हो जाऊं। एक दिन जब आरिफ ने बाजार में नमक की बहुत मांग के बारे में सुना तो उसे फरोख्त करने का फैसला किया। आरिफ ने नमक की 6 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी। वो बाजार की तरफ चलने लगे और इस दिन नमक की सारी बोरियां बेच दी। आरिफ हर रोज नमक बेचने लगा। गधा रोजाना नमक की भारी बोरियां मंडी ले जाता। आरिफ, मुझे अभी और नमक की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो सारा नमक मुझे बेच सकते हो। कुछ दिन गुजर गए और आरिफ नमक बेचता रहा। अरे वाह, मेरा काम तो चल पड़ा। एक दिन जब वो दरिया पर पहुंचे और उसे अबूर कर रहे थे तो गधा फिसल गया और कुछ नमक दरिया के पानी में घुल गया। आरिफ ने गधे को दरिया से बाहर निकाला। अरे नहीं, ये क्या हो गया। गधे को लगा कि उसकी पीठ पर पड़ी बोरियां अब हल्की हो चुकी हैं। अगले दिन जब आरिफ और उसका गधा दरिया पार कर रहे थे, गधा जानबूझकर दरिया में फिसल गया। ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ, कि इस तरह से उसे बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। ये बात आरिफ जानता था। अगले दिन आरिफ ने 8 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी और वो दोनों बाजार की तरफ चलने लगे। जब वो दरिया पार कर रहे थे तो गधा फिर फिसल गया। लेकिन जब वो उठा तो उसे लगा कि बोरियां तो पहले से भी ज्यादा भारी हो गई हैं। आरिफ ने नमक की बोरियों को रुई की बोरियों के साथ तब्दील कर दिया था। रुई दरिया का पानी जस्ट करके भारी हो गई। हाँ हाँ हाँ, तुम ना ही सोचा था तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो, आरिफ ने गधे से कहा। गधा रुई की 8 भारी बोरियां मंडी ले गया और फिर घर वापस आ गया। उस दिन के बाद से गधे ने फिर कभी अपने मालिक के सामने
सुस्ती दिखाने की हिम्मत नहीं की।